हेलो एवरीवन, अब मिनरल न्यूट्रिशन में जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है और फिर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उनकी डेफिशिएंसीज और उनकी टॉक्सिसिटी, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 1860 में जुलाइस वॉन सैक, ही वॉज अ जर्मन बोटानिस्ट, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि आप सॉइल यूज़ नहीं करते हो और प्लांट्स ग्रो करते हो, है ना। इसमें क्या करते हैं कि हम है ना पानी में ही मिनरल न्यूट्रिएंट्स को मिला देते हैं, जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारे को चाहिए होता है। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो मच एसेंशियल, मतलब कि टू रिक्वायर प्योरीफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो फिर प्योर वाटर लें और अकॉर्डिंगली उसमें जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उतने ही अमाउंट में आप फिर डालें। ओके, By this method, essential elements, they were identified and their efficiency symptoms were discovered. Tomato, seedless cucumber and lettuce, they were the plants, the vegetables that were produced from this technique. Tomato, seedless cucumber and lettuce. So what would happen if the solutions were poorly aerated? अगर aeration अच्छे से नहीं होगा तो proper growth नहीं होगी plant की, simple. अच्छा, ये जो फिगर 12.1 है, दैट इज़ अ टिपिकल सेटअप ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। इसमें क्या है कि कॉटन लगा दिया है, जो प्लांट है वहाँ जहाँ से वो निकल रहा है उस सॉल्यूशन में से, वहाँ पे हमने कॉटन लगाया है। और ये सब क्यों है, जस्ट टू फिक्स द थिंग्स, ताकि वो यहाँ हिल डुले नहीं। ठीक है, बाकी एक फनल है फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू दिस सॉल्यूशन, दिस इज द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, दिस इज द एरेटिंग ट्यूब, ताकि उसको हम मिक्स कर सकें। अच्छा, मोर देन 60 एलिमेंट्स of the 105 discovered so far are found in the different plants, and some plant species also accumulate selenium and some others gold, while some plants growing near the nuclear test site, वहाँ पर radioactive strontium भी होता है उन plants में। पर यही है कि there are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration of 10^-8 kg/ml, मतलब -8 × 10^-8 kg, और वो भी 1 ml में। ओके, 12.2 आप डायग्राम देखना, उसमें आपको दिख रहा है हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ट्यूब और ट्रफ प्लेस्ड ऑन अ स्लाइट इंक्लाइंड अ पंप सर्कुलेट्स अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू द एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब। द सॉल्यूशन फ्लोज डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न्स टू द रिजर्वॉयर ड्यू टू ग्रेविटी। इनसेट शोज अ प्लांट हुज रूट्स आर कंटिन्यूसली बेस्ड इन एरेटेड न्यूट्रिएंट मीडियम और सॉल्यूशन। द एरोज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मतलब रिजर्वायर है वहाँ से पहले पानी जाता है पूरे के पूरे प्लांट्स में फैल जाता है, फिर बाद में वो यहाँ से ऐसा वापस आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। वट इज़ द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी? पहला ये कि एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट्स शुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल्स और सेट द सीड्स। दूसरा ये कि रिक्वायरमेंट जो है उस प्लांट की वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, रिप्लेसिबल ही होनी चाहिए, कि अरे ये नहीं है तो वो यूज़ कर लेते हैं जो इंसान लोग करते हैं आजकल। इन अदर वर्ड्स, डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। और तीसरा ये कि द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। मतलब जब तक कोई चीज़ डायरेक्टली अगर किसी को इफेक्ट नहीं करती है तब तक उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पता चलती है, यही है। ओके, नाउ वी कम टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सिंपली आपको क्या रखना है कि दे आर प्रेजेंट इन द टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट्स, मतलब एक्सेस में, और मतलब इन एक्सेस ऑफ 10 mmol/kg और ऑफ द ड्राई मैटर, 10 mmol/kg ऑफ ड्राई मैटर से भी ज़्यादा अमाउंट में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेस देन 10 mmol/kg ऑफ द ड्राई मैटर। ओके, बस यही है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। देखो, एक तो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, जिंक एंड निकल। तो मैं बोलूँ तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 9 मैक्रो, 8 माइक्रो, एंड टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स हैं ये। ठीक है, और है ना कुछ, एक तो है ना माने में, मतलब
मेरे टीचर ने मेरे को बस इसका ट्रिक बताया था टू लर्न इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट, कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए बताया था कि चॉपकिंस की मैगी. सो चॉपकिंस चॉप इज फॉर CHOP, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फरस, देन की मतलब कि कैल्शियम सॉरी पोटेशियम सॉरी इट्स पोटेशियम, फिर उसके बाद हाँ चॉपकिंस तो के फॉर पोटेशियम, कीन्स NS तो नाइट्रोजन सल्फर, की मैगी तो की में यहाँ पे फिर कैल्शियम और फिर मैगी में मैग्नीशियम, तो इस तरीके से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या था, फिर मनु का कल बहुत मौज से निकला, तो फिर इस पर आयरन मनु MN मैंगनीज, फिर सी वो का कॉपर, कल क्लोरीन बहुत, बोरॉन मॉच मतलब मॉलिब्डेनम, और जर्म दैट इज फॉर जिंक, एंड निकला तो इज निकल. आई गेस वैसे भी नॉर्मली भी हो सकता है कि मैक्रो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फरस पोटेशियम, फिर उसके बाद नाइट्रोजन सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम, और माइक्रो में आता है आयरन मैंगनीज कॉपर क्लोरीन बोरॉन मॉलिब्डेनम जिंक एंड निकल. अच्छा, इन एडिशन टू दी 17 एसेंशियल एलिमेंट्स नेम्ड अबव, देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम सिलिकन कोबाल्ट एंड सेलेनियम, दे आर रिक्वायर्ड इन द बाय द हायर प्लांट्स. कौन कौन से, ईजी है वैसे तो ये तो याद रखना, पर इसके लिए भी ट्रिक बता दिया था कि नासिक से जोधपुर सॉरी कोल्हापुर, तो नासिक फॉर नासी मतलब कि सोडियम सिलिकन से मतलब कि वही सेलेनियम, एंड कोल्हापुर फॉर कोबाल्ट. आई गेस यार ये तो नॉर्मली भी याद रख सकते हैं कि और भी हैं जो कि हायर प्लांट्स यूज़ करते हैं पर वो थोड़े रेयर हैं. कौन कौन से, सोडियम सिलिकन सेलेनियम और ये कोबाल्ट. अब याद करो कि एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फोर ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्स फंक्शंस, तो दीज कैटेगरीज आर, देखो एसेंशियल एलिमेंट्स हैज कंपोनेंट्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है. फिर मैं बात करूँ कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, तो मैग्नीशियम एंड क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस एंड ATP. एसेंशियल एलिमेंट्स कैन एक्टिवेट और इनहिबिट द एंजाइम्स जैसे कि Mg2+ मैग्नीशियम आयन जो है वो एक एक्टिवेटर है बोथ रिबुलस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का और फॉस्फोइनॉल पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज का, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन. तो मैग्नीशियम आयन जो है वो एक तो रुबिस्को और एक फॉस्फोइनॉल पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज के लिए एक्टिवेटर की तरह काम करता है. जिंक Zn2+ जो है एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजनेज जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है. अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट है कि वो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल, तो उसको अल्टर करने के लिए पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. अच्छा, एक था कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस एंड सल्फर, दे आर यूज्ड मतलब प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स हैं ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर, एंड 98% मास ऑफ द एनर्जी लिविंग मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज पहले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम. ओके, नाउ वी कम टू द फंक्शंस रोल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. देखो मैंने जो मार्क करके रखा हुआ है अगर वही पढ़ें तो आई गेस ज़्यादा अच्छे से हो सकता है. लेट्स ट्राई. देखो पहले मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन एक असेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, पहली बात. फिर ये जो है वो NO3- के फॉर्म में ही मोस्टली एब्जॉर्ब किया जाता है, और दो सम आर ऑल्सो टेकन अप एज NO2- एंड NH4+. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो होते हैं. नाइट्रोजन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स है ना, और न्यूक्लिक एसिड्स विटामिन्स हॉर्मोन्स. अच्छा, फॉस्फरस जो है दैट इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन. अब फॉस्फेट आयन इधर एज H2PO4- और HPO4-, अल्टीमेटली हाइड्रोजन हटा दोगे तो PO4-3- ही रह जाएगा. फॉस्फरस इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सर्टेन प्रोटीन्स ऑल द न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स एंड इज रिक्वायर्ड इन ऑल फॉर ऑल द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस. फिर मैं बात करूँ पोटेशियम की, दैट इज एब्जॉर्ब एज K+ आयन एंड दिस इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन मेरिस्टमैटिक टिश्यूज बड्स लीव्स एंड रूट टिप्स मतलब ग्रोइंग पार्ट्स. एंड आयन कैटायन बैलेंस जो होता है सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स, वो पोटेशियम का काम होता है. कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम जो है वो CA2+ की तरह फॉर्म में लिया जाता है, और
कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय द मेरिस्टमैटिक डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज सेल डिवीजन, मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल मेटल लैमेला जो कैल्शियम पेप्टाइड का होता है ना, माइटोटिक स्पिंडल्स बनाने में इन्वॉल्व होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, कॉम्पिटेंट होस्ट, इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मैग्नीशियम की बात करूँ तो इट इज अब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ Mg2+ एंड इट इज एक्टिवेट्स द एंजाइम्स फॉर ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प्स टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। अच्छा एक बात बताओ, राइबोसोम स्ट्रक्चर के बनाने के लिए कितने मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है? दैट इज 0.001 मोलर। ठीक है, ये दिया नहीं है पर आई हैव सीन इन क्वेश्चन तो मैंने नोट कर लिया था। डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज दोनों के दोनों मैग्नीशियम आयन जो है वो एक्टिवेट करता है इन दोनों के दोनों को, क्योंकि बताओ यहाँ पे लिखा भी है ना सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है इन दोनों के लिए एक्टिवेशन के लिए। ठीक, अच्छा ये होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। फिर मैं सल्फर की बात करूँ तो सल्फेट आयन SO4 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और 2 अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन, दे आर द 2 अमीनो एसिड में कि सल्फर आपको मिलेगा। और ये कुछ कोएंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं जैसे कि थियामिन विटामिन बी वन, दैट इज थियामिन इज विटामिन बी वन, बायोटिन, इन सब में सल्फर होता है और फेरेडॉक्सिन में तो होता ही है पर कोएंजाइम ए, बायोटिन और थियामिन इन तीनों में ही आपको सल्फर मिलता है। आयरन की बात करूं तो आयरन जो Fe3+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्योंकि आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपको आयरन। ठीक है, फिर मैं बात करूँ कि वो जो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है पूरा का पूरा, तो उसमें जो है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोटीन्स है आयरन एंड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स एंड इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके, मतलब ऑक्सीडाइज होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय आयरन। हाँ, इट एक्टिवेट्स द कैटलेज एंजाइम जो कि एंड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। कैटलेज एंजाइम होता है जो कि परऑक्सीजोम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कोई पूछे कि पूरे में बताइए कि सबसे ज़्यादा जो यूज न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, वो नाइट्रोजन है, पर मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ माइक्रो में बताइए तो आप क्या बताएंगे? Fe आयन मतलब आयरन। ठीक है, अच्छा मैं बता रही थी एक चीज़ कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है पोटेशियम और एक होता है कैल्शियम। ठीक है, मेरिस्टमैटिक जोन्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। फिर आता है मैंगनीज, इट इज अब्जॉर्ब्ड इन Mn2+ आयन एंड एक्चुअली मैंगनीज जो है काफ़ी सारे एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। और ये जो मैंगनीज है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर याद है फोटोसिंथेसिस फोटोलाइसिस टू लिबरेट ऑक्सीजन। जिंक जो है वो Zn2+ के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है और एक्चुअली इट एक्टिवेट्स वेरियस कार्बोक्सिलेसिस जैसे कि अभी पढ़ा भी था कार्बोक्सिलेस डिहाइड्रोजनेस एंड इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर मैं बात करूँ कॉपर की, एक था जिंक में एक पॉइंट था लिटिल लीफ डिजीज जो है वो जिंक की डिफिशेंसी की वजह से होती है। तो ऑक्सीजन इज नॉट सिंथेसाइज प्रॉपरली सो लीव्स दे बिकम स्मॉल इन साइज, लिटिल लीफ डिजीज। ओके, फिर कॉपर की बात करूँ तो कॉपर जो है वो क्यूप्रिक आयन मतलब कि Cu2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। Fe जो है आयरन जो था वो Fe3+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा था, राइट। फिर मैं बात करूँ तो कॉपर जो है दैट इज फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड सॉरी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे आयरन था इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शंस, वैसे ही मतलब एंड इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu+ से Cu2+। जैसे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा था Fe2+ से Fe3+ में, वैसे ही कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu2+ से Cu3+ में ड्यूरिंग द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये जैसे कि जो आयरन था वो Fe3+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा था, ये Cu2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। बोरॉन जो है वो Bo3-3- B4O7-2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम आयन को अगर एब्जॉर्ब करना है तो बोरॉन चाहिए। वाह, मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए बोरॉन चाहिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए बोरॉन चाहिए, सेल का इलोंगेशन के लिए बोरॉन चाहिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए बोरॉन चाहिए, मतलब बहुत काम है।
pollen germination, membrane functioning of a calcium ion का utilization और cell elongation. So summarizing, boron के functions क्या क्या हैं? Calcium utilization, membrane functioning, pollen germination, cell elongation, cell differentiation एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन. एक स्टाउट एक्सेस होती है तो वो बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से आती है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें दैट अकर्स. सो स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस वो काफ़ी स्वेल हो जाती हैं, उसी वजह से स्टाउट एक्सेस बोलते हैं. मॉलिब्डेनम इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयंस, मतलब MOO2+ आयंस, एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, इट्स अ नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ओके, फिर हम बात करें क्लोरीन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, Cl- के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है अलॉन्ग विद सोडियम और पोटेशियम आयन्स. दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स. इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस एंड लीड्स टू द ऑक्सीजन इवोल्यूशन. अब सुनो, कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के. मैंने है ना नेक्रोसिस, क्लोरोसिस और कौन कौन सी हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन एंड डिलेड फ्लारिंग. इन चारों की ट्रिक है क्योंकि मतलब एलिमेंट्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए पहले मैं एक बार थ्योरी पढ़ देती हूँ, दो मिनट लगेंगी. सी, वेन एवर द सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. द एलिमेंट इज सेट टू बी डेफिशिएंट व्हेन द when present below the critical concentration. See, since each element has one or more specific structural and functional role in the plants, in the absence of any particular element, the plants show certain morphological changes, and these morphological changes are indicative of certain element deficiencies and are called as deficiency symptoms. So the deficiency symptoms vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. However, if the deprivation that continues, it even may eventually lead to the death of the plant. So the parts of the plant that show deficiency symptoms also depend on the mobility of the plant element in the plant. For elements that are actively mobilized within the plants and exported to the young developing tissues, the deficient symptoms that tend to appear first in the older tissues, क्योंकि उनका translocation बहुत ज़्यादा fast है. तो जो actively mobilized वाले जो होते हैं elements within the plants, वो है ना young वाले के पास तो फटाफट पहुँच जाते हैं. तो उनकी deficiency symptom आपको सबसे पहले older parts में मिलेंगे देखने को. For example, deficiency symptom of nitrogen, potassium, magnesium are visible first in the senescent leaves. ठीक है, ओल्डर टिश्यूज़ में इनके पहले आपको सिम्टम्स मिलेंगे किसके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. फिर इन द ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू द यंगर. और फिर इनफैक्ट ये भी होता है कि यही वाले एलिमेंट्स जो हैं ओल्डर पार्ट से टूट जाते हैं और वो फाइनली जो हैं जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं जिनको चाहिए ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम वहाँ से आ जाते हैं. So the deficiency symptoms tend to appear first in the young tissues whenever the elements are relatively immobile. तो आपको young tissues में सबसे पहले देखने को मिलेगा एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मेच्योर ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स लाइक सल्फर, कैल्शियम, ये बड़े ढीठ टाइप के हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है सेल के और वो ईजिली ऐसे रिलीज नहीं हो सकते हैं. भैया खुद ही सोचो, अगर स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है कोई जैसे कैल्शियम, अगर वही खत्म हो जाएगा वहाँ ओल्डर लीव से तो फिर तो वो लीफ ही नहीं रहेगी ना, गिर जाएगी पूरी, खत्म हो जाएगी वो. तो इसी वजह से मैं बोलूँ जो रिलेटिवली इमोबाइल जो है वो आपको सबसे पहले उनकी डेफिशिएंसी जो है ग्रोइंग पार्ट्स में देखने को मिलेगी. सो द एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. सो द काइंड ऑफ डेफिशिएंस सिम्टम शोन इन द प्लांट्स इंक्लूड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्री मेच्योर फॉल ऑफ द लीव्स एंड बर्ड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन. क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स. तो एक बात में क्लोरोसिस होता है कि क्लोरोफिल कम हो गया तो उसकी वजह से लीफ जो है वो पहले ग्रीन हुआ करती थी, अब वो येलो येलो हो जाएगी. दिस सिम्टम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोसिस. के लिए मैंने ट्रिक है नरेंद्र मोदी की, जाने मन फिर मांगे येलो साड़ी. दिस इज डू चिल, दीज आर जस्ट ट्रिक्स. ठीक है, डोंट टेक दम सीरियसली, जस्ट पर्पस इज टू रिमेंबर. नरेंद्र मोदी की जाने मन फिर मांगे येलो साड़ी, तो ये क्लोरोसिस की है. देखो ये कैसे याद है, नरेंद्र मोदी इज फॉर नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम की जाने मन मतलब कि पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज, फिर मांगे मतलब Fe एंड मैग्नीशियम और साड़ी S, और येलो में से येलो हो जाती है ना लीफ तो क्लोरोसिस के लिए है. ठीक है, ओके. फिर मैं बोलूँ कि
नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यूज. तो ये किसकी वजह से होता है, तो नेक्रोसिस की जो ट्रिक है वो ये है कि काकू मांगे कटरीना, काकू मांगे कटरीना. तो काकू इज फॉर कैल्शियम कॉपर एंड मांगे इज फॉर मैग्नीशियम एंड कटरीना के मतलब पोटेशियम. तो ये जो है वो नेक्रोसिस के लिए हो गया. फिर आता है लैक और लो लेवल्स ऑफ सर्टेन, वो भी इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन ना पाए. तो वो है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, तो दैट इज़ फॉर नाइट्रोजन मॉलिब्डेनम की फॉर पोटेशियम एंड सरकार इज फॉर सल्फर, दैट इज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. ओके, एंड डिलेड फ्लावरिंग के लिए था नरेंद्र मोदी से फूल खिलेगा. तो फूल वो जो उनका जो पार्टी सिंबल भी है, तो नरेंद्र मोदी मतलब नाइट्रोजन एंड मोदी इज फॉर मॉलिब्डेनम एंड से सल्फर, फूल खिलेगा इस फॉर डिलेड फ्लावरिंग. देखो सबसे ईजी जो मुझे लगता है वो क्लोरोसिस का है. क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोसिस में येलोइंग हो जाती है लीफ की, और येलो तो आ भी रहा था येलो साड़ी में. तो नरेंद्र मोदी की जाने मन मांगे येलो साड़ी, तो नरेंद्र मोदी की जाने मन मतलब नरेंद्र फॉर नाइट्रोजन, मोदी मॉलिब्डेनम की मतलब पोटेशियम की जाने मन मतलब जिंक और मैंगनीज, मांगे मतलब मैग्नीशियम येलो साड़ी एस फॉर सल्फर. ठीक, अब होता है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस में क्या था, कटरीना आ रही थी, तो राइट, तो उसमें था कि वो काकू मांगे कटरीना, तो दैट फॉर फॉर नेक्रोसिस. और नेक्रोसिस के था कटरीना से पोटेशियम, काकू मतलब कैल्शियम एंड कॉपर, मांगे मतलब कि मैग्नीशियम और कटरीना, ठीक है, के पोटेशियम. एक था कि डिलेड फ्लावरिंग, तो उसमें था वो फूल खिलेगा, नरेंद्र मोदी से फूल खिलेगा, तो नरेंद्र मोदी मतलब कि नाइट्रोजन मॉलिब्डेनम से मतलब सल्फर, फूल खिलेगा डिलेड फ्लावरिंग. फिर एक था कि इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो नरेंद्र मोदी की सरकार, तो नाइट्रोजन मॉलिब्डेनम पोटेशियम एंड सल्फर, सिंपल. सी You can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms, and that the same symptoms can be caused by the deficiency of one or, you know, several different elements. Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms that are developed in all the various parts of the plant and compare them with the available standard tables. अब देखो toxicity of microelements ये बहुत important है, क्योंकि लोग कन्फ्यूज रहते हैं. पहले जो मार्क किया हुआ है वो पढ़ते हैं. एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यूज दैट रिड्यूसेज द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यूज बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक. द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोराटिक वेन्स, ग्रीन वेन्स, येलो वेन्स होंगी ना. It is important to note that the manganese competes with iron and magnesium. Manganese किसके साथ compete कर रहा है? Iron और magnesium के साथ for the uptake and with magnesium for binding. और magnesium के साथ for the binding with the enzymes. Manganese also inhibits calcium translocation in the shoot apex. Therefore, excess of manganese may in fact induce deficiencies of iron, magnesium and calcium. ठीक, मतलब iron से और magnesium से क्यों लड़ रहा है? iron magnesium से तो वो लड़ रहा है किसके लिए? कि for uptake. और magnesium से लड़ रहा है for binding to enzyme, और calcium से लड़ रहा है for translocation इन द शूट एपिक्स. मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैंगनीज जो है अगर वो ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस ऑफ मैंगनीज है, तो उससे क्या क्या होगा? तो उससे होगा कि आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, ठीक है. और अगर कोई भी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है कि उसकी मतलब टिश्यूज में दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यूज बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक. ओके, हो गया. And here we complete this chapter, mineral nutrition. Okay, let's see in the next chapter. Bye.